दोस्तों आप लोगों में ज्यादा कराता हूँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम करते मुबारक माशाल्लाह तो आइए मैं दिखा इनकी करामात मैं आप लोगों को बता दूँ तो इनकी करामात ये है कि ये अपने इंतकाल के बाद अपनी कब्र मुबारक पर खुद ही लेट गए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 55 का कदम मुबारक भी यहाँ मौजूद है माशाल्लाह, तो आइए ज़ियारत कराते हैं आप लोगों को। दोस्तों आप लोगों ने पूरी मस्जिद देख ली और आप लोगों ने ये बीच में देखा, ये बीच में क्या है ये भी मैं आपको बता दूँ। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे। सो गाइस आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं ज़ियारत कराने वाला हूँ कदम रसूल की। माशाल्लाह हमारे बरेली शहर में भी कदम रसूल है जो कि बरेली की जामा मस्जिद में है, जो कि लगभग 650 साल पुरानी है और बादशाह औरंगजेब के ज़माने की मस्जिद है। तो बहुत पुराना आर्किटेक्चर है मस्जिद का और मस्जिद में ही एक ऐसी दरगाह है, एक ऐसे अल्लाह के वली हैं जिन्होंने इंतकाल के बाद खुद ही गुस्ल किया, खुद ही अपने कब्र मुबारक में लेट गया। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए मैं दिखाता हूँ। और आज हमारे साथ पता कौन जाने वाला है, आज हमारे साथ जाने वाला है इमाद, जो कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग में देखा था। तो चले ना इमाद भाई। ओके चलते हैं भाई। तो गाइस चल दिए हम लोग जामा मस्जिद की तरफ और ये रास्ता जो आप लोग सामने देख रहे हैं ये जामा मस्जिद की तरफ जाता है जो कि लगभग 650 साल पुरानी है। गाइस फाइनली अभी आ चुके हैं जामा मस्जिद पे बरेली की जो लगभग 650 साल पुरानी है। तो अंदर की तरफ चलते हैं और कदम रसूल की आप लोगों को ज़ियारत कराते हैं। तो चलिए चलते हैं। गाइस ये है सामने जामा मस्जिद का गेट माशाल्लाह, और बहुत प्यारा गेट है। अभी नया आर्किटेक्चर यहाँ पे कर दिया गया है ना, इसलिए ये गेट जो है ना अभी नए स्टाइल का लग रहा है। अंदर से मस्जिद पुरानी है। गाइस चलते हैं अंदर की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं अभी अंदर का माहौल क्या है। तो गाइज आ चुके हैं मस्जिद पे फाइनली अभी माशाल्लाह, आप लोग मस्जिद का आर्किटेक्ट देख सकते हैं। और ये मस्जिद है, ये पुराना हौज है जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है। और अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ खुला माहौल है और ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह। तो ये पूरी मस्जिद है, लगभग मस्जिद 650 साल पुरानी है, हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के ज़माने की मस्जिद है। और एक गुंबद शरीफ आप लोगों को सामने के लिए देखने के लिए मिलेगा माशाल्लाह। सो गाइस फाइनली अभी आ चुके हैं मस्जिद के अंदर और मस्जिद के अंदर आने के बाद इस तरीके का माहौल है माशाल्लाह, बहुत प्यारी मस्जिद है। तो आइए मैं पहले दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराता हूँ, उसके बाद आप लोगों को कदम रसूल की ज़ियारत कराऊंगा। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग मस्जिद के अंदर आ गए हैं। ये है जामा मस्जिद जो कि बहुत बड़े एरिया में है, बहुत पुरानी मस्जिद है। तो पहले दरगाह शरीफ की ज़ियारत करते हैं, उसके बाद आप लोगों को कदम रसूल की ज़ियारत कराएंगे। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं। तो आप लोग आगे तरफ चलते हैं। आज आप लोग एक गुंबद शरीफ ये देखेंगे जो कि मस्जिद का ही गेट है। ये गरीब नवाज सरकार का गुंबद शरीफ है और ये बहुत पुरानी मस्जिद है माशाल्लाह। आप लोगों को मैं आगे की तरफ ज़ियारत कराता हूँ पूरी मस्जिद की। ये गाइस देख सकते हैं पूरी मस्जिद, ये बहुत पुरानी मस्जिद है और एरिया देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है यहाँ पे। तो पहले आप लोगों को दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराते हैं, तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं माशाल्लाह। तो दोस्तों माशाल्लाह आप लोग ये सामने जो दरगाह शरीफ देख रहे हैं ये आस्ताना शरीफ है हज़रत शेर मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, आप लोग ज़ियारत कर सकते हैं। ये हज़रत की बारगाह है और यहाँ पे आप लोग ये पिलर देख सकते हैं, बहुत पुराने पिलर हैं, ये लगभग 600-700 साल पुराने पिलर हैं। बाकी और जगह पे काम कर दिया गया है तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये दरगाह शरीफ है। तो दोस्तों आप लोग माशाल्लाह ये दरगाह शरीफ की ज़ियारत कर रहे हैं, ये लगभग 650 साल पुरानी दरगाह शरीफ है और इन हज़रत का नाम है हज़रत शेर मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और इनका आप लोग ताज देख रहे हैं, सामने ताज है हज़रत का माशाल्लाह, ये भी बहुत ज़्यादा पुराना है। और इनके आप लोग सिजर नसब की बात करेंगे तो इनका सिजर नसब मौला अली शेर खुदा से मिलता है माशाल्लाह। और इनकी करामात मैं आप लोगों को बता दूं तो इनकी करामात ये है कि ये अपने इंतकाल के बाद अपनी कब्र मुबारक पर खुद ही लेट गए थे। और ये इनका हुजरा शरीफ है, ये सारी मिल्कियत जो है ना इन्हीं हज़रत की है, ये सारी मिल्कियत जो ज़मीन है हज़रत की, सारी ज़मीन इन हज़रत की है, इन्होंने अल्लाह की राह में सारी ज़मीन कुर्बान कर दी माशाल्लाह, ये अल्लाह की वली करामात है। दोस्तों माशाल्लाह आप लोग ज़ियारत कर सकते हैं हज़रत की, ये कब्र मुबारक है। और ये आप लोग एक बराबर में भी यहाँ पे मज़ार शरीफ देख सकते हैं आप लोग, ये जो रिश्तेदार हज़रात हैं उनका मज़ार शरीफ है। और आस्ताना शरीफ की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा पुराना आस्ताना शरीफ है, असली कब्र मुबारक नीचे है।
असली कब्र मुबारक नीचे है हजरत की, और ये जो सिर्फ ज़ियारत के लिए बना दिया गया है, क्योंकि कच्ची कब्रें ही होती हैं, तो इसलिए कच्ची कब्र ही है, सिर्फ ये जो है ज़ियारत के लिए बना दिया गया है। और ये मस्जिद का पूरा एरिया है, ये हज़रत की जितना भी ये एरिया है हज़रत ने कुर्बान कर दिया अल्लाह की राह में, और मस्जिद को जगह दे दी माशाल्लाह। ये अल्लाह के वली की करामात है, तो आप लोग ज़ियारत कर सकते हैं। दोस्तों अब मैंने हज़रत की ज़ियारत करा दी है आपको, तो चलिए आइए आगे, तो चलते हैं। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैं खास कर आया हूँ, दरगाह की ज़ियारत तो मैंने आप लोग करा दी, तो अब मैं आपको कदमे रसूल की ज़ियारत कराता हूँ, तो आइए चलते हैं। दोस्तों आप लोग ये मस्जिद देख रहे हैं माशाल्लाह, बहुत पुरानी मस्जिद है, बहुत ज़्यादा बड़ी मस्जिद है, तो आइए कदमे रसूल की ज़ियारत कराते हैं आप लोगों को। आप लोग ये पीछे देख रहे हैं ना मेरे, ये गुम्बद शरीफ, ये हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक के अंदर निशान है, जो कि नक्शा है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक का। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये सबसे अहम चीज़ है बरेली के लिए, हमें बहुत गर्व होता है इस चीज़ के लिए कि हमारे बरेली शहर में भी ये चीज़ मौजूद है, तो आइए आप लोगों को ज़ियारत कराता हूँ। तो दोस्तों माशाल्लाह आ गए हैं इस गुम्बद के नीचे, गुम्बद शरीफ है ये, और ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इसके अंदर कदम मुबारक है, तो आप लोगों को मैं ज़ियारत कराता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों के सामने जो नजर आ रहा है ये हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक है, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ माशाल्लाह, बहुत प्यारा ये कदम मुबारक है माशाल्लाह, आप लोग ज़ियारत कर सकते हैं, तो आप लोग ठीक से देख सकते हैं। ये आप लोग ये आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये कदम मुबारक रखने के लिए जगह नहीं, ये एक कब्र है, ये एक कब्र है जो कि नवाब साहब की माँ की कब्र है, नवाब साहब जो बरेली के नवाब साहब थे उनकी माँ की कब्र है, उनकी जो है वसीयत थी कि उनके मरने के बाद उनकी कब्र मुबारक पर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कदम का निशान जो है लगा दिया जाए, तो माशाल्लाह ये कदम निशान आप लोग देख सकते हैं, कदम का निशान है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। और नवाब साहब का मैं आप लोगों को नाम बता दूँ, नवाब साहब का पूरी धरती यहाँ पे मिल जाएगी, ये पूरा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा कदम का पूरा यहाँ पे धरती लगा रखी है, और इनका नाम है असमत अली खां, जो नवाब साहब थे यहाँ पे उनका नाम है असमत अली खां, ये उनकी माँ की कब्र है, और इनकी माँ ये खुद ही लेकर आई थी अपने साथ, नवाब खानदान की थी, तो ये खुद ही लेकर आई थी सऊदी अरब से, और ये हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कदम का निशान इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी कब्र पे मेरे सीने पे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कदम का निशान माशाल्लाह रख दिया जाए, तो माशाल्लाह ये बहुत खुशनसीबी की बात है, और आप लोगों को मैं ज़ियारत कर रहा हूँ मेरे लिए भी बहुत खुशनसीबी की बात है, तो आप लोग ठीक से ज़ियारत करिए इसकी, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा निशान है। और गाइज़ आप लोग माशाल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक का निशान की ज़ियारत कर रहे हैं आप लोग, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और आप लोग ये कब्र की ज़ियारत कर रहे हैं, ये नवाब साहब की अम्मी जान की कब्र है, और यहाँ पर तख्ती लगी हुई है, पूरी तख्ती आप लोग पढ़ सकते हैं, ये आप पूरी तख्ती है यहाँ पर, और 1805 में इनका विसाल हुआ था, 1805 में इनका विसाल हुआ था, इनकी ये कब्र मुबारक है, तो आप लोग यहाँ पे पूरा मंजर देख सकते हैं माशाल्लाह, ये इनकी पूरी मिल्कियत इन्हीं की थी, ये पूरी ज़मीन जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ की सारी ज़मीन ये इन्हीं नवाब साहब की थी, ये दो भाग में डिवाइड है, जो आप लोग सामने जो पट्टी देख रहे हैं ना, ये आपको ब्लैक कलर की यहाँ पे ये पट्टी नज़र आती होगी, ये पट्टी तक इनकी ज़मीन थी यहाँ पे, और यहाँ पे हर रोज़ यहाँ पे चिराग रोशन होता है। तो दोस्तों आप इस कदम मुबारक के निशान को बंद कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ज़ियारत कर लिया और आप लोगों को भी करा दिए माशाल्लाह। दोस्तों अब बाहर तरफ चलते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 55 का कदम मुबारक भी यहाँ मौजूद है माशाल्लाह, तो आइए ज़ियारत कराते हैं आप लोगों को, तो चलिए आइए चलते हैं। कब्र मुबारक माशाल्लाह देख सकते हैं, ये कब्र मुबारक है, पता नहीं किन हजरत की कब्र मुबारक है, लेकिन इस पर भी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कदम का निशान मौजूद है, जो कि बचपन का है, तो आप लोग ज़ियारत कर सकते हैं माशाल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग निशान देख सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कदम का निशान है। दोस्तों आप लोग ज़ियारत कर रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदम के निशान की, माशाल्लाह ये कदम का निशान है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, जो कि बचपन का कदम का निशान है। और ये एक कब्र है, आप लोग सोचते होंगे ये सिर्फ रखने के लिए बना दिया गया है, नहीं ऐसा नहीं है, ये भी एक कब्र है जो कि नवाब साहब के कोई रिश्तेदार हजरात हैं, इसकी नॉलेज नहीं है। जितनी नॉलेज है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कदम का निशान है जो कि बचपन का है, माशाल्लाह बहुत खुशनसीबी की बात है। मैं आप लोगों को ज़ियारत करा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज ज़ियारत कराते हुए, मैं भी ज़ियारत कर रहा हूँ, मैं भी आज यहाँ पहली बार आया हूँ। और चलिए अब ये इसकी ज़ियारत करते हैं और आप लोगों को फिर आगे का तस्करा बताते हैं। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदम का निशान की आप लोगों को ज़ियारत कराई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आइए अब आगे की तरफ चलते हैं और इमाम साहब के यहाँ पे कब्र दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे इमाम साहब जो रह चुके हैं 35 साल या लगभग 15 साल इमामत जिन लोगों ने की है, उनकी कब्र मुबारक या कब्र यहीं मौजूद है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों आप लोग जो सामने दो कब्र देख रहे हैं ना, ये यहाँ के इमाम साहब की कब्र है जो यहाँ पे 35 साल इमामत करके गए माशाल्लाह। और एक कब्र ये है, ये भी यहाँ के इमाम साहब रह चुके हैं, जो कि लगभग कुछ नहीं तो 35 साल या 40 साल इन्होंने भी इमामत की। और माशाल्लाह ये दोनों कब्रें हैं यहाँ पे, और अभी ऐसी कब्रें एक नहीं यहाँ पे काफ़ी सारी कब्रें हैं। यहाँ पे एक कब्र आप लोग यहाँ पे सामने देख सकते हैं, ये एक कब्र है, ये यहाँ पे सारे इमाम साहब जितने भी रह चुके हैं उनकी कब्र है। ये बहुत सारी पुरानी, बहुत सालों पुरानी मस्जिद है माशाल्लाह। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी मस्जिद देख ली और आप लोगों ने ये बीच में देखा, ये बीच में क्या है ये भी मैं आपको बता दूँ। जब अजान होती है ना जुमे वाले दिन, तो अजान जो है इमाम साहब के ठीक सामने ही दी जाती है, और जब तक अजान इमाम साहब के ठीक सामने नहीं दी जाएगी तब तक नमाज नहीं होगी, इसलिए ये बना दिया गया है। पूरा ये रुख जो है बिल्कुल ठीक होता है, इमाम साहब का जो मेहराब है उसके ठीक सामने है, और यहीं पे अजान पढ़ी जाती है। अब से नहीं, ये बहुत साल पुरानी है और हमेशा से यहीं पे अजान पढ़ी जाती है। ये पूरा बिल्कुल आप लोग सामने देख सकते हैं, वहाँ से ठीक सामने से यहाँ तक अजान का बिल्कुल सीधा रुख है, बिल्कुल सीधा रुख है। तो यहाँ पे अजान होती है इसलिए बना दिया गया है। ये बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये जामा मस्जिद का ये एरिया है ना, वो जामा मस्जिद का एरिया इस पट्टी तक है। ये एक पट्टी काली आप देख सकते हैं, और एक पट्टी वो सामने, ये काली पट्टी आप लोग देख सकते हैं। ये मस्जिद है, ये मेन मस्जिद का जगह यही है, और ये कदमे रसूल जहाँ पर है ये नवाब साहब की जगह हुआ करती थी। और वो जो आप लोग वो पट्टी के बाहर की जगह देख रहे हैं ना, वो अल्लाह के जो वली आराम फरमा रहे हैं, ये उनकी जगह हुआ करती थी, उन्होंने मस्जिद की राह में कुर्बान कर दी वो जगह माशाल्लाह। और आप लोगों को इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, और ये कब्रों के बारे में ही मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को सबको अच्छे समझ आ रहा होगा। और ये गुम्बद शरीफ आप लोग हुजूर आला हज़रत के गुम्बद शरीफ की तरह देख सकते हैं। तो आइए आप ऊपर की तरफ चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं ये मस्जिद के टॉप फ्लोर पे, और ये गुम्बद आप लोग ये देख सकते हैं, ये मस्जिद के तीन गुम्बद हैं माशाल्लाह। ये बहुत पुराने गुम्बद हैं, ये तीन गुम्बद मस्जिद के हैं, और ये एक गुम्बद है माशाल्लाह। तो दोस्तों आप लोग ये तीन गुम्बद पीछे देख रहे हैं, ये बादशाह औरंगजेब के ज़माने के हैं, और ये मस्जिद लगभग 650 साल पुरानी मस्जिद है। ये बरेली की जामा मस्जिद है, और अभी हम लोग आ गए हैं बरेली की जामा मस्जिद के टॉप फ्लोर पे। ये तीन गुम्बद आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक नया गुम्बद है ये थोड़ा नए ज़माने का गुम्बद लग रहा है। और अभी ये तीन गुम्बद आप लोग माशाल्लाह देख रहे हैं, ये नया रेनोवेशन का काम चल रहा है ना, इसलिए ये नए ज़माने की बन गई है। लेकिन मस्जिद ये बहुत पुरानी है, जैसे ज़रूरत आती जाती है इंसान की उसी हिसाब से लोगों की तादाद बढ़ती गई और मस्जिद को बड़ा कर दिया गया, तो बहुत ज़्यादा बड़ी मस्जिद है। तो चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। तो गाइस ये गुम्बद आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह कितने प्यारे गुम्बद हैं, और ये हुजूर गरीब नवाज सरकार की तरह गुम्बद शरीफ है माशाल्लाह, और ये मदीने शरीफ की तरह यहाँ पर गुम्बद शरीफ है। तो आइए अब नीचे की तरफ चलते हैं। दोस्तों मैंने मस्जिद की छत तो आप लोगों को दिखा दी, तो अब मैं दिखाता हूँ मस्जिद के अंदर का माहौल, के अंदर से कितनी खूबसूरत मस्जिद है। तो आइए दिखाता हूँ अंदर की तरफ, मस्जिद के अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस अंदर की तरफ चलते हैं, माशाल्लाह मस्जिद के अंदर हम लोग आ गए हैं। ये मेहराब है, और ये वो तीन गुम्बद है माशाल्लाह जिनकी मैं बात कर रहा था, ये वो तीन गुम्बद है, और एक गुम्बद ये है, और एक गुम्बद ये आगे है, ये छोटा वाला गुम्बद है। और अभी ये इतनी बड़ी मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन अब ये मस्जिद बहुत बड़ी हो गई है। तो ये गुम्बद आप लोग यहाँ पे आप लोग सामने देख सकते हैं।
और ये आगे ताक बनी हुई है, तीन ताक हैं जो कि अभी तो सफ़े रखी हुई हैं क्योंकि पहले के ज़माने में पता नहीं यहाँ पे किस लिए हुआ करता था। और ये खुतबा पढ़ने के लिए है माशाल्लाह, ये खुतबा यहाँ पे होता है जुमे का खुतबा, जो आप लोग पूरा देख सकते हैं। ये पूरा मस्जिद का एरिया है, ये जामा मस्जिद है बरेली की। दोस्तों मैंने आपको कदम रसूल की जो ज़्यारत कराई, ये 2400 घंटे और 365 दिन आप लोगों को ज़्यारत करने के लिए मिल जाएगी। आप लोग कभी भी आ सकते हैं तो आप लोग ज़्यारत कर सकते हैं। यहाँ कभी भी बंद नहीं किया जाता, कोई पाबंदी नहीं है कदम रसूल की ज़्यारत करने की। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा ये सुनकर मुझे, तो आप लोगों को मैंने ये बात बता दी, तो आप लोग ज़्यारत करने आ सकते हैं। दोस्तों पूरी मस्जिद में मैंने देखा ये सबसे ज़्यादा पुराना ये हौज ही है। ये हौज है जो पहले के ज़माने में हुआ करता था, ये हौज सबसे ज़्यादा पुराना। और आप लोग ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी भरा हुआ करता था और आप लोग यहाँ पे लोग वुज़ू किया करते थे। और अभी भी ऐसा ही सिलसिला है, लेकिन अभी ये खाली है। और ये आप लोग पुराना आर्किटेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पे सारी पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि वक्त के साथ साथ सब कुछ नया हो जाता है। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को मैंने सब चीज़ की ज़्यारत करा ली है और आप लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे ही अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए वीडियो आती रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।